कांग्रेस ने रीता बहुगुणा जोशी के पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की अटकलों से इनकार किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर का कहना है कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है। वहीं कांग्रेस की ओर से सीएम कैंडिडेट शीला दीक्षित ने भी ऐसे किसी कयासों से इनकार किया है। हालांकि रीता बहुगुणा जोशी के भाई और बीजेपी के नेता विजय बहुगुणा ने भी ऐसी किसी अटकल से इनकार किया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ अफवाह है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। वहीं कांग्रेसी नेता राज बब्बर के मुताबिक उन्हें रीता बहुगुणा के बारे में, पार्टी छोड़ने के बारे में कुछ मालूम नहीं है। देखिए, अभी हमने भी जैसे आपने सुना वैसे हमने भी सुना है, और हम जितनी जल्दी हो सकता है कि आपको इसकी अगर कुछ सच्चाई होगी इसमें तो जरूर आपको बताएंगे। आप लोगों की कोई बात हुई है? परसों हुई थी। कांग्रेस नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री ने रीता बहुगुणा पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। शीला जी, रीता बहुगुणा जोशी के कांग्रेस छोड़ने की बात सामने आ रही है, बीजेपी ज्वाइन करके कितनी सत्यता है इसमें, क्या है? मुझे मालूम नहीं, आपसे बात नहीं, आपसे कोई बात नहीं हुई। वहीं यूपी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी से खासी नाराज हैं रीता बहुगुणा। चुनाव से पहले पार्टी में खुद को उन्होंने दरकिनार किए जाने से आपत्ति जताई थी, नाराजगी जताई थी। रीता यूपी में राहुल गांधी की जो किसान यात्रा हुई थी जिसमें तमाम यूपी के बड़े नेता शामिल हुए थे, वो उसमें शामिल नहीं थी, खुद को पहले से ही अलग रख लिया था। हालांकि रीता बहुगुणा जोशी का कद कांग्रेस में काफी बड़ा रहा है, यूपी कांग्रेस की वो पूर्व अध्यक्ष तक रह चुकी हैं। रीता बहुगुणा जोशी 2017 चुनाव से पहले पार्टी में दरकिनार किए जाने से नाराज हैं।